एक कल सप्लीमेंट्री आई है कॉरपोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की, और आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, व्हाट्सएप पे इमीडिएट फॉरवर्ड हो जाता है, और बच्चे इमीडिएट ये भी पूछने लगते कि बताओ अमेंडमेंट की क्लासेस कब दोगे, बिना सप्लीमेंट्री को देखे हुए कि सप्लीमेंट्री में वाकई कोई अमेंडमेंट है या अमेंडमेंट है ही नहीं, और अगर वाकई कुछ नया है तो क्या आपको वो पहले करवा दिया गया है या वो नहीं करवाया गया है। फिलहाल जो भी, हम इस सप्लीमेंट्री के हर लाइन पे चलेंगे और हर चीज आपको बताने की कोशिश करेंगे। अगर आप सप्लीमेंट्री पे देखें तो इसमें लिखा है एप्लीकेबल फॉर बोथ जून 2020 एंड दिसंबर 2020 एग्जाम। अब जून 2020 एग्जाम तो हुआ नहीं, तो अब इस चीज का कोई मतलब है नहीं, लेकिन इंस्टीट्यूट ने अभी भी लिख रखा है जून 2020, तो मैंने इसको हटा दिया। अभी सीधा आ गया दिसंबर 2020 एग्जाम। दिसंबर 2020 एग्जाम के लिए ये सप्लीमेंट्री एप्लीकेबल है, और ये जून 20 के लिए भी था। इसका मतलब ये सप्लीमेंट्री पहले से ही फोर्स में था, इसमें कुछ खास नई बात नहीं हुई है। और नई बात क्या हुई है, हम एक एक करके आपको सारी चीजें बताएंगे और ये भी समझाएंगे कि क्या आपके लिए इसमें कोई अमेंडमेंट पढ़ने के लिए बचा हुआ है, या कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको पहले से ही अमेंडेड मैंने पढ़ा रखा है। आपको इस वीडियो को थोड़ा समय लगा के सुनना पड़ेगा, क्योंकि इस वीडियो के मैं कई हिस्से करने वाला हूं। नंबर एक, पहले तो इस सप्लीमेंट्री में जो जो चीजें हैं उसके बारे में एक एक बात बताऊंगा। नंबर दो, बहुत बच्चों ने मुझे ये भी कहा है कि आप इम्पोर्टेंट चैप्टर की लिस्ट बता दो, तो वो भी बताऊंगा। बहुत बच्चों ने ये भी कहा है कि अब आप दिसंबर के लिए स्ट्रेटजी भी फाइनल कर दो कि हम 80+ तीनों पेपर में कैसे टारगेट कर सकते हैं, मतलब पेपर नंबर 17, 19 और 20। तो ये सारी बातें मैं बताने वाला हूँ, आपको वीडियो को ध्यान से सुनना पड़ेगा, और आपको अपने दोस्तों को भी फॉरवर्ड करना पड़ेगा, जिन्होंने मुझसे क्लासेज ली हैं उनको भी, जिन्होंने नहीं ली है उनको भी, ताकि सब अगर मेरे किस एनालिसिस में दम हो तो उनको उसका बेनिफिट मिले। तो इस चीज का जरूर ध्यान रखिएगा। कुछ हमारे बड़े शुभचिंतक भी हैं जो वीडियो अभी डला है और 1 सेकंड में उनका डिसलाइक भी आ जाता है, उनको भी जरूर आप फॉरवर्ड कर दीजिएगा, क्योंकि कुछ लोग हमारे ज्यादा ही शुभचिंतक हैं, और जो लोग ऐसे नहीं हैं वो अपना लाइक जरूर कर दीजिएगा, ताकि हमें भी पता लगे कि जो वीडियो आपको दिया जाता है वो आपको कितना पसंद आया। तो चलिए बिना समय गवाए आगे बढ़ते हैं। नंबर एक है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, मतलब आपका स्टडी नोट वन है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। उस स्टडी नोट वन में एक एक चीज आपको ध्यान में देखना है। जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स इन इंडिया, ये वही है जो अगस्त 19 एडिशन में था, तो इसके लिए कुछ आपको करने की जरूरत नहीं है। आपके पास ऑलरेडी जो भी चीजें अगस्त 19 स्टडी मटेरियल के हिसाब से है। ओवरव्यू ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ये वही है, इसमें अमेंडमेंट नहीं है। इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, ये वही है। एप्लीकेबिलिटी ऑफ इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ये वही है। तो इसमें ऐड हुआ है इंडेस 40, इंडेस 115, इंडेस 116। अब देखना दोस्त, इंडेस 40 आप सबको पढ़ाया जा चुका है, अगर आपने को याद ना हो तो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के बाद जो हम दूसरा स्टैंडर्ड करते हैं वो इंडेस 40 है। आपके स्टडी मटेरियल में वो पहले एडिट नहीं था, अब उन्होंने एडिट कर दिया है। जब मैं पढ़ाता रहता था पहले, बच्चे पूछते रहते थे ये तो मेरे में है नहीं, आपने क्यों पढ़ाया, तो लो जी अब देखो ये आ गया है। मतलब आपने जो पढ़ा है उस समय आपको लग रहा था जबरदस्ती पढ़ा दिया, हमारा समय खराब हो गया, तो उस समय जो आपको हो सकता है आप ही मनी मन सोच रहे हो कि मेरे साथ चीटिंग हो गई, अब कम से कम उस चीज से आप मुझे मुक्त कर सकते हैं, क्योंकि इंडेस 40 आ गया है। आपके स्टडी मटेरियल में सिर्फ थ्योरी लिखा है, वैसे भी इसमें ज्यादातर थ्योरी ही लिख देते हैं वो, लेकिन हमने आपको क्वेश्चन के साथ और केस स्टडी के साथ कराया है। तो आप नंबर वन नोट कर लीजिए, स्टडी नोट वन में आपको कुछ नहीं पढ़ना है। स्टडी नोट वन इंडेस 40 आप ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, इसलिए आपको कुछ नहीं करना। ये अमेंडमेंट सिर्फ इंस्टीट्यूट का है, आपके लिए इस अमेंडमेंट की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप ये पहले से जानते हैं। इंडेस 115, ये मैं 2018 से पढ़ा रहा हूँ, 2018 से।
यहाँ पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात बताऊंगा। यही इंडेक्स 115 पढ़ा रहा था, मुझे एक याद आ गई बात। 2018, यस 2018 के मई में तो एक सीएमए के बच्चे ने क्लास ज्वाइन किया, और जब ज्वाइन किया तभी मैं इंडेक्स 115 ही पढ़ा रहा था उसी दिन। वो बाहर जाकर के फीस रिफंड लेके ले गए, बोले मैं ये इंडेक्स पढ़ा रहे, हमारे में इंडेक्स है ही नहीं। और फिर 6 महीने बाद आकर के क्लास दोबारा ले गए, फेस टू फेस में आए थे तो रिफंड ले गए, फिर वीडियो क्लासेस ले गए। तो ये कहानी मैंने इसलिए बता दी क्योंकि 2018 के मई से ही मैं इंडेक्स 115 पढ़ा रहा हूँ। वैसे सीए में भी इसका एप्लीकेशन मई 2019 से हुआ है। तो आपने से जब जिसने भी 2018 मई और उसके बाद पढ़ा है, सबके पास ये इंडेक्स 115 अवेलेबल है। तो ये इंस्टीट्यूट के लिए नई बात है, आपके लिए पुरानी बात है। आप सबको इंडेक्स 115 कराया जा चुका है। यहाँ पे एक पेज लिखा है, हमने आपको 150 पेज पढ़ा रखे हैं। इन्होंने एक दो लेक्चर की बात की है, थोड़ी बहुत बात की, हमने आपको पांच पांच लेक्चर डिटेल में पढ़ा दिए हैं। इंडेक्स 115 इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये इसमें कितना है वो रेलेवेंट नहीं है। इंडस्ट्री में तो आपको जाते यही पूछेगा इंडेक्स 116, इंडेक्स 116 भी उन सबको पढ़ाया जा चुका है जो मई 2019 से क्लास ले चुके हैं। मतलब इंडेक्स 116 भी आपके पास पहले से ही अवेलेबल है। जिन बच्चों के पास इंडेक्स 116 अवेलेबल नहीं है, जिन्होंने पहले क्लासेज ले ली थी, वो इंडेक्स 116 का वीडियो ले सकते हैं क्योंकि अभी तो हमने सारी चीजें अमेंडमेंट कर दी है। मतलब मई 2019 के बाद जिन जिन बच्चों ने पढ़ा है सबको इंडेक्स 116 मैंने दे दिया है। अगर आपके पास नहीं है तो आप इंडेक्स 116 ऑफिस से कलेक्ट कर सकते हैं। इंडेक्स 116 इन्होंने थोड़ा डिटेल भी दिया है, और उतना भी डिटेल नहीं दिया जितना डिटेल हमने आपको पढ़ाया है। पूरे 50 क्वेश्चन हमने करवा दिए हैं इंडेक्स 116 में, 7 लेक्चर यानी तकरीबन 20 घंटे के अप्रॉक्सीमेट का ड्यूरेशन का हमने आपको 116 कराया है। तो दिस इज मच मोर सफिशियंट। यानी स्टडी नोट 1 में अमेंडमेंट उन बच्चों के लिए है जिन्होंने स्टडी मटेरियल के हिसाब से स्टडी की है, आपके लिए नहीं क्योंकि आपने यहाँ स्टडी की और आपको सब कुछ पहले पढ़ाया जा चुका है। नो नीड ऑफ एनी अमेंडमेंट, काट दीजिए, भूल जाइए इसको। अब मैं आ रहा हूँ अमेंडमेंट नंबर 2, एनबीएफसी स्टडी नोट 5। स्टडी नोट 5, स्टडी नोट 5 में दोस्त फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट वही है, और अब फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट पढ़ के आप विद्वान बन चुके हैं। आपके स्टडी मटेरियल में जितना है उसका 10 गुना आपको पढ़ा रखा है। जीएसटी अकाउंटिंग वही है जो 2019 एडिशन में था, आपको पढ़ाया जा चुका है। वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स अमेंड हुआ है और एनबीएफसी में अमेंडमेंट है। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल सेम है जो पहले आपको पढ़ाया जा चुका है। अब मैं ये देखूंगा कि क्या एनबीएफसी में जो अमेंडमेंट है वो हमें पढ़ने हैं या नहीं पढ़ने हैं। तो मैं स्ट्रेट अभी बोल दूँ तो नहीं पढ़ना है क्योंकि मैंने एनबीएफसी आपके यहाँ ये रिवीजन आज हुआ है, और मैंने 2019 के बिगिनिंग में रिवीजन कर दिया था, और वो रिवीजन ही यहाँ पे एप्लीकेबल है। तो आपको कुछ नहीं पढ़ना, आपका फेथ बना रहे, आपका बिलीव बना रहे। इसलिए एनबीएफसी के जो क्वेश्चन के आंसर हैं वो मैं मैच करवा देता हूँ आपको। बाकी आपके पास स्टडी मटेरियल में आपने जो लेक्चर देखे हैं उससे आप चेक कर सकते हैं। एक एक करके हर चीज 2019 के बिगनिंग में ही अपडेट हो गया था। अब इन्होंने लिखा है आपने बहुत पहले कर लिया है, तो आप ये ना समझना कि हमने पुराना दिया। जैसे ही कोई चीज, क्योंकि 1 अप्रैल 2018 को एनबीएफसी में, एनबीएफसी के ऊपर इंडेक्स एप्लीकेबल हुआ था, और उसी समय मैंने एनबीएफसी अपडेट कर दिया था। तो चूंकि एनबीएफसी आपका अपडेटेड है, आपको कुछ करना नहीं है, सब कुछ ऑलरेडी पहले से ही अपडेटेड दे रखा है। आप जितने भी रेट ऑफ प्रोविजनिंग देखेंगे जो मैंने आपको करवाया है, वो सारे रेट ऑफ प्रोविजनिंग आपके मैच कर जाएंगे। आप आराम से चेक कर सकते हैं जितने भी क्वेश्चंस हैं आपके, मैंने यही रेट लगवा रखा है आपको। 0.4%, 10%, 20, 30, 50, 100, 100 आप अपने उसमें देख सकते हैं। जो भी क्वेश्चन आपके हैं
वो क्वेश्चन ऑलरेडी कवर्ड है एनबीएफसी में, इवन उससे ज़्यादा ही क्वेश्चन मैंने कवर कर दिया है, ये सारे क्वेश्चन कवर कर दिए हैं, क्योंकि सीए इंस्टीट्यूट ने इन चीज़ों को पहले ही रिवाइज कर दिया था और तब से मैं रिवाइज्ड वर्जन पढ़ा रहा हूँ। सीए में इंस्टीट्यूट में कुछ जगहों पे गलतियाँ थी, बच्चे मुझसे पहले पूछा करते थे कि आपने जो पढ़ा दिया है वो हमारे सिलेबस में नहीं है, यहाँ पे अलग चीज़ें दे रखी हैं। मैं हमेशा कहता रहता था वो अपने आप चेंज कर देंगे, आप चिंता ना करो, और जब तक वो चेंज नहीं करेंगे तब तक आपसे वो सवाल भी नहीं पूछेंगे। इसलिए पिछले कुछ अटेम्प्ट से एनबीएफसी का क्वेश्चन भी नहीं आया। अब उन्होंने 2020 के लिए अमेंडमेंट कर दिया था, ये बात मैंने पहले भी बताई थी, और अब ये फाइनल हो गया है कि जो चीज़ आपको पढ़ाई गई है वही बिल्कुल सही है और वही एप्लीकेबल है। तो अब आपको इसके मामले में भी कुछ नया नहीं करना। ये इन्होंने लिखा है सिर्फ इंडेस, एक्चुअली इसमें कोई इंडेस बेस्ड बैलेंस शीट के क्वेश्चन इन्होंने नहीं दिए हैं, कोई प्रॉफिट लॉस अकाउंट एनबीएफसी का नहीं पूछा है, सिर्फ प्रोविजनिंग के नॉर्म्स पूछे हैं। ये पहले से ही अपडेटेड है, मैंने 1 जनवरी 2019 को ही इसे अपडेट कर दिया था। तो ये इंस्टीट्यूट के लिए अमेंडमेंट है, आपके लिए अमेंडमेंट नहीं है। अगर आपको फिर भी बिलीफ ना हो तो जब आप क्वेश्चन के आंसर देखेंगे जो आपको करवाए जा चुके हैं, तो उस आंसर में आपको सब कुछ अपडेटेड मिलेगा, और आपका जो आंसर कराया गया है वो इस आंसर से स्टडी मटेरियल से मैच कर जाएगा। अब आ गया वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स। वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स में कोई अमेंडमेंट नहीं आया है, इसमें लिखा है रिवाइज्ड वर्जन। ये रिवाइज्ड वर्जन इसलिए लिखा है क्योंकि कुछ क्वेश्चंस हैं शेयर वैल्यूएशन के जिसका आंसर स्टडी मटेरियल में पहले गलत बना हुआ था, मैंने सही कराया आपको, आप ही बोलते रहते सर यहां पे ये था, आपने ये करवा दिया, हम किसको फॉलो करें। तो जो आपको पहले ठीक कराया गया था वही चीज अब इन्होंने अपने आंसर में डाल दिया है। लेकिन यहां पे मुझे एक चीज और बतानी पड़ेगी, अभी भी जो इलस्ट्रेशन नंबर 5 है ये इन्होंने पूरा ठीक कर दिया है, इसमें अब गलती नहीं बची है, ये 100% ठीक हो गया है। जो मैंने आपको आंसर कराया उससे अब आपका ये इलस्ट्रेशन 5 मैच कर जाएगा। अगर मैं बुक देखूं, अभी मेरे पास ये बुक चल रही है इसलिए मुझे इसी बुक से दिखाना पड़ेगा कि इलस्ट्रेशन नंबर 5 के काउंटर में कौन सा क्वेश्चन है। इलस्ट्रेशन नंबर 5 के काउंटर में जो क्वेश्चन है वो है अपने पास में क्वेश्चन नंबर 11, यानी वैल्यूएशन ऑफ शेयर का पहला ही क्वेश्चन है अपना। जो आंसर मैंने आपको कराया है वो आंसर अब इन्होंने बना लिया है, मतलब अब इनका आंसर और आपको जो मैंने आंसर कराया वो आंसर मैच करेगा। अगर आपको वो देखना हो तो मैं दिखवा भी देता हूँ, यहाँ आप देख सकते हैं आंसर में जो मैंने आंसर दिया है वही आंसर अब इंस्टीट्यूट का भी आ गया। इल्ड बेसिस में 13.33, 10.67, 6.67, ये लीजिए मैच कर गया। और अगर आप अर्निंग पर शेयर में देखेंगे तो देखिए मैच कर गया 20.95, 16.75, 10.5, लीजिए ये भी मैच कर गया। मतलब जो आंसर मैंने आपको करवा रखा है वो आंसर अब जो इन्होंने इंस्टीट्यूट ने रिवाइज किया, इंस्टीट्यूट ने अब रिवाइज किया, मैंने नहीं, मैंने 3 साल पहले से इसको रिवाइज पढ़ाया है। आप आंसर मैंने इसलिए दिखा दिया थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ जाए, नहीं तो फिर बोलेंगे अपडेशन के नोट्स बताओ, अपडेशन कुछ रहे तब तो नोट्स बनाऊं। अब वो लोग जो लोग गलत पढ़ाते थे कि नहीं सीए में अलग होता है यहाँ अलग होता है, आपको गलत पढ़ा दिया गया आप ठीक करवाओ, उनको दोबारा पढ़ाना है, मुझे कुछ नहीं पढ़ाना है। मैं अपने प्रिंसिपल पर पहले भी चल रहा था अब भी चल रहा था, इसलिए जो आंसर मैंने आपको कराया वही आंसर अब यहाँ मैच कर रहा है। वैसे सीए में अब ये सब हट चुका है, वहाँ ये नहीं है, लेकिन इन आपके स्टडी मटेरियल ने गलत किया था जिसको मैंने ठीक करा दिया था। अब अपना जो आपके पास में है वो है क्वेश्चन नंबर 12 के काउंटर में है, इलस्ट्रेशन नंबर 6, ये क्वेश्चन नंबर 12 के काउंटर में। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 12 के काउंटर में इलस्ट्रेशन 6 है, इसके कुछ फिगर्स जरूर बदले हैं क्योंकि हमारे पास है 31,90,000, उसमें है 32 लाख रुपये। इसमें एक गलती अब भी है, बाकी सब कुछ तो इन्होंने ठीक कर लिया, एक गलती इन्होंने अब भी कर रखा है। अब फिर मुझे लग रहा है कभी रिवीजन करेंगे तो फिर बोलेंगे ये गलती रह गई थी इसको ठीक कर लो, और वो गलती मैं आपको दिखा देता हूँ गलती कहाँ पे है।
वो गलती बस यहां पे है। जब हम एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते हैं दोस्त, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड जब हम निकालते हैं, तो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते समय हम सिर्फ रेक्टिफाइड प्रॉफिट का आधा करते हैं, इन्होंने एडजस्टेड प्रॉफिट का आधा कर दिया है। यहां इनकी गलती अभी भी है, जो अगले डिवीजन में फिर ठीक करना पड़ेगा। बाकी और सब कुछ इन्होंने सुधार लिया है, यहां आकर के अब भी गलती इनकी रह गई है। हमने आपको वो सही करा रखा, और मैं आंसर बदलूंगा भी नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि ये चीज अभी भी इसका फैक्टर गलत है। जिन्होंने भी रिवाइज किया, लग रहा है उनके दिमाग से फिर ये बात उतर गई। तो ये बात यहाँ पे रह गई, आप वही आंसर करेंगे जो आपको कराया जा चुका है, कुछ भी चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। इलस्ट्रेशन नंबर 7 मैंने पहले सही करा रखा है आपको, तो इसमें भी आपको कोई दिक्कत करने की आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 भी मैंने आपको सही करवाया है। क्वेश्चन नंबर 8 के काउंटर में जो क्वेश्चन है अपने पास, क्वेश्चन नंबर 8 के काउंटर वाला क्वेश्चन, हाँ क्वेश्चन 8 के काउंटर वाला क्वेश्चन है अपने पास में, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 के भी आंसर जो आपको कराए गए हैं वो आंसर बिल्कुल ठीक हैं। आप देख सकते हैं मैंने आपको पहले ही सब कुछ ठीक कराया था, आप आंसर भी अपना मैच करा सकते हैं। देखिए, 10 रुपये वाले का शेयर का वैल्यू 19.68, 11.81। आप भी देखिए मैंने करवा रखा है 19.68, 11.81। तो ये मैंने फाइनल आंसर मैच करा दिया है ताकि आपको कॉन्फिडेंस आ जाए। तो इलस्ट्रेशन नंबर जो आपका है 8, उसके काउंटर में क्वेश्चन नंबर 13 मैंने पहले ठीक कराए, इन्होंने अब ठीक किया है, इन्होंने पहले गलती की थी। इलस्ट्रेशन नंबर 9 बिल्कुल रेपिटेशन वाला है, उसमें नया कुछ है नहीं, ये मैंने करा रखा है, इन्होंने भी ठीक किया है। तो आपकी जो सप्लीमेंट्री थी दोस्त, उस सप्लीमेंट्री में ऐसा कुछ बचा नहीं जो मैंने पहले ही ठीक ना करा दिए हों। तो अमेंडमेंट देने की जरूरत तब पड़ती है जब हमने पहले कुछ और करा रखा था और इंस्टीट्यूट ने रिवीजन कर लिया। मुझे ये बात पहले से ही पता थी कि इंस्टीट्यूट ने इन इन जगहों पे गलती की है, और मैंने उस सबको सुधार रखा है। इसके अलावा भी कई चीज़ हैं जहाँ पे इंस्टीट्यूट ने गलती की है और हमने उसको ठीक भी किया है, जो आगे आपको फर्दर रिविजन में दिखता रहेगा। लेकिन एक चीज़ मैं गारंटी दे रहा हूँ, जो आप बार बार पूछते रहते हैं ये आ गया है, वो आ गया है, फलाना आ गया, ढिमकाना आ गया, ये आंसर आपका मैच नहीं किया, याद रखना जिन जिन चीज़ों को इंस्टीट्यूट को रिवाइज करना है वो अपने समय के हिसाब से रिवाइज करेंगे। आपको जो बताया गया है 100% प्योरीफाइड बताया गया है, और आप हमेशा ध्यान रखेंगे इस बात को कि जो हमने आंसर बनाया है, सारे रिसर्च करने के बाद बनाया है, वो इंस्टीट्यूट को आंसर बदलना है। कहीं कहीं हो जाती है गलतियाँ, मैं इसमें कोई इंस्टीट्यूट की गलती नहीं कह रहा हूँ, बहुत सारे काम होते कहीं जगह रह जाते हो, धीरे धीरे रिविजन में आ जाएगा। आपको जो कराया गया आप वही करेंगे, आपके लिए कोई रिवीजन नहीं है। एक बात जरूर है कि जिन बच्चों ने पहले क्लासेस ली हैं और उनको इंडेक्स 116 नहीं मिला है, तो वो तो खैर हमारा जो यूट्यूब पे इंडेक्स 116 का एक दो लेक्चर पड़ा है, उतना भी आप कर लेंगे तब भी आपका काम चल जाएगा, क्योंकि आपके सप्लीमेंट्री में बहुत कम दे रखा है। लेकिन जिन्होंने क्लास ली है उनका उनके फर्ज है हमारे कि हम उनको इंडेक्स 116 का क्लास दें। तो आप में से जिन बच्चों को इंडेक्स 116 की क्लास नहीं मिली है, वो चाहें तो इंडेक्स 116 के क्लासेस ले सकते हैं। वैसे काम चलाने के लिए जो यूट्यूब पे है उतना भी करके आपका काम चल जाएगा, इसमें अभी बहुत कम दे रखा है, लेकिन फिर भी आप चाहें तो क्लास जरूर लें इंडेक्स 116 की, क्योंकि जो इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट है उसमें तो बिना इंडेक्स 116 के आपका इंटरव्यू क्लियर होगा नहीं। तो अमेंडमेंट के नाम पे आपको कुछ नहीं करना, क्योंकि आप सब पहले से ही अमेंडेड हैं। अब बात रह गई कि हमारी स्ट्रेटजी क्या होगी, दिसंबर के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं। मैं एक एक करके पेपर के बारे में बता रहा हूँ। एक चीज़ का जरूर ध्यान रखना कि मैं भगवान नहीं हूँ, मैं इंसान हूँ। आपके स्टडी मटेरियल, आपके एग्जाम के पैटर्न और उसकी एनालिसिस के बेसिस पे ही मैं अपने रिसर्च निकालता हूँ, और मैं जो कहूँगा उसे एस्टिमेट के बेसिस पे कहूँगा। हाँ, इतना जरूर विश्वास दिलाता हूँ कि अगर 100% नहीं तो 80% वो एस्टिमेट ठीक हो जाता है नॉर्मली। CFR, जिसमें आप सबसे ज़्यादा परेशान रहते हैं क्योंकि उसका कोर्स कंटेंट बहुत ज़्यादा है। अभी अपने पास CFR के दो मॉड्यूल हैं,
जिन बच्चों को ये दो मॉड्यूल मिला है अलग अलग, उनको तो मैंने पास्ट के सजेशंस की वजह से पहले ही जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं और जो लेस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं उसको अलग अलग हिस्से में बांट दिया। मतलब जो ये पहले वाले मॉड्यूल के चैप्टर्स हैं वो बेहद इम्पोर्टेंट है, और जो दूसरे वाले मॉड्यूल के चैप्टर्स हैं उसका अभी आपके एग्जाम में वेट कम आ रहा है। एग्जाम की बात कर रहा हूँ मैं, प्रैक्टिस के लिए दूसरा, जो आप नौकरी में जाएंगे उसके लिए दूसरा मॉड्यूल बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले मॉड्यूल का एग्जाम में बहुत वर्थ है। तो अब तो ये बटा हुआ है, लेकिन ये मैंने जो किताब देनी शुरू की है, ये शुरू की है करंट सेशन से, यानी 2020 से। तो 2020 से पहले जिन जिन्होंने क्लासेस ली होंगे उनके पास एक ही वॉल्यूम होगा और उसी में सब कुछ लिखा होगा। तो उस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ, करंट वाले में तो मैंने मार्क्स के परसेंटेज वगैरह सब लिख दिए हैं। तो अब वो बच्चे क्यों कहते हैं इम्पोर्टेंट बताओ, मुझे समझ नहीं आता। यहाँ पे मैंने सारी बातें लिख दी हैं कि जो हमने आपको ये दिया है उसमें 10% है, ये 50% है, 10 है, 15 है, 10 है, 20 है, उसमें सारी बातें लिखी हैं। तो जो स्टूडेंट्स सीए फार्म में अच्छे नंबर से पास होना चाहते हैं उनके लिए मैं यहाँ पे कुछ बातें बता रहा हूँ। 70% मार्क्स, वैसे आपके एग्जाम में 132 नंबर का पेपर आता है, तो आप 132 का 70% इधर कर लीजिए और 132 का 30% इधर कर लीजिए। अगर मैं 132 का 70% करता हूं तो ज्यादा प्रिसाइजली अप्रॉक्स, वैसे 192 93 बनता है, 92 93 बनता है, मैं इसको 90 मान लेता हूं और इसको मैं 40 मान लेता हूं। परसेंटेज बाई 70 30, मार्क्स बाई 90 एंड 40। अभी जो मेरी उम्मीद कहती है कि आपको 70% के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, तो बिजनेस कॉम्बिनेशन, कंसोलिडेशन, शेयर बेस्ड पेमेंट, गवर्नमेंट अकाउंटिंग, वैल्यूएशन, वैल्यूएशन और XBRL, ट्रिपल बॉटम लाइन रिपोर्टिंग, CSR, इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग, बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्टिंग, GST, NBFC। इन डेज जो इधर इंपॉर्टेंट बन सकते हैं उसमें Ind AS 1, Ind AS 113, Ind AS 7, वो तो कंसोलिडेशन में ही चला गया, वैसे मैंने वहीं पढ़ा दिया है। उसके अलावा Ind AS 8, Ind AS 10, ये सब आपके इंपॉर्टेंट बन सकते हैं। अगर इतना आप कर लेते हैं तो आप 70, हाँ 105 और भी, आप 70 मार्क्स के अंदर फ्रेम कर जाएंगे। बाकी जो 40 मार्क्स बच गया उसके लिए आपको जितने भी एस और इंडेस हैं, ऑल एस एंड ऑल इंडेस, ये आपको पढ़ने पड़ेंगे। अब इसमें बच्चे कहते रहते कि इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बता दो, इसमें दोस्त मैं कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं कर सकता क्योंकि जितनी चीजें मैं छांट सकता था वो सब मैंने छांट दी। तो अब ये मेरे बस की बात नहीं कि और मैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बता सकता हूं। अब यहां पे इशूज क्या है वो ध्यान दीजिए। Ind AS 2, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं, Ind AS 16, Ind AS 40, Ind AS 38, Ind AS 38, Ind AS 36, Ind AS 36, Ind AS 23, ये सारे इंडेस आपके लिए मैंडेटरी बन सकते हैं। मतलब ये आप ज्यादा प्रायोरिटी पे रिवाइज कर लेना। और इसके अलावा अगर मैं एस में कह दूं तो एस में आप 9 कर लेना, 7 कर लेना, 18 कर लेना, 24 कर लेना, 25 कर लेना। ये कुछ मैंने बना दिए हैं जो शायद इसमें से ज्यादा क्वेश्चन आ जाए, लेकिन इस वाले पे मैं आपको नहीं बोलूंगा कि आप मेरी बात मान के चलें, इसमें से कुछ भी आ सकता है। जो क्रीम चीज है वो मैंने छांट के इधर लिख दिया है।
अगर आप इस हिसाब से भी प्रिपरेशन करेंगे तो सीएफआर में आपके 75 प्लस हो जाएंगे। अब आते हैं हम एसपीएम बिजनेस वैल्यूएशन पे। एसपीएम बिजनेस वैल्यूएशन पे हालांकि मैंने पहले बता दिया है लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूं, एसपीएम एंड बीबी, एसपीएम एंड बीबी में दोस्त अगर आप एसपीएम की बात करो तो इसमें हर चैप्टर से क्वेश्चन आता है, और बीबी की बात करो तो हर चैप्टर से क्वेश्चन आता है, मतलब चैप्टर 5 में नहीं आता, बाकी सबसे आता है। यहाँ पे मैं आपको ऑर्डर बता सकता हूँ कि आप ऑर्डर कैसे लगाएं। एसपीएम में सबसे पहले चैप्टर 4 आप कीजिए, उसके बाद आप चैप्टर नंबर 2 कीजिए, उसके बाद आप चैप्टर नंबर 1 कीजिए, उसके बाद आप चैप्टर नंबर 3 कीजिए, क्योंकि 3 नंबर चैप्टर दिखता बड़ा है, आता उससे 8-10 नंबर से ज़्यादा है नहीं। अब आपको कौन कैसे बता देता है मुझे नहीं पता, मैंने तो स्कैनर बना दिए, उस हिसाब से कह रहा हूँ। बिजनेस वैल्यूएशन में चैप्टर 5 का कोई क्वेश्चन आता ही नहीं, इसमें सबसे ज़्यादा आता है चैप्टर 8, उसके बाद आपको मिलेगा चैप्टर नंबर 7, उसके बाद चैप्टर नंबर 6। तो आप इस ऑर्डर में इसकी तैयारी कीजिए, 5 से कोई क्वेश्चन अभी तक नहीं आया। अब हम आ जाते हैं कॉस्ट मैनेजमेंट ऑडिट पे। यहाँ पे भी बच्चों ने बताया कि हम कैसे तैयारी करें जिससे ये आ जाए, तो कॉस्ट मैनेजमेंट ऑडिट की आपकी ये किताब है, और कॉस्ट मैनेजमेंट ऑडिट में आपके पास में ये बिल्कुल रिवाइज्ड है, स्कैनर के साथ बना हुआ है। अगर मैं इसकी बात करूँ तो चैप्टर नंबर 1 से नॉर्मली क्वेश्चन नहीं आता, यहाँ अगर आपको रिवीजन करना हो तो ऑर्डर में चैप्टर नंबर 5, उसके बाद में आप चलिए चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 10, सॉरी 10 नहीं, चैप्टर नंबर 11, चैप्टर नंबर आप चले आइए 4, चैप्टर नंबर 12, इन्हीं चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं ज़्यादातर, और इसी ऑर्डर में आप इसका रिवीजन कीजिए, तब भी आपके अच्छे नंबर आ सकते हैं। स्कैनर थ्योरी सब कुछ मैंने करा रखा है, बाहर कुछ देखने की आवश्यकता नहीं है। किसी भी तरीके का कोई भी अमेंडमेंट आपकी जो क्लासेज मिली हैं 2020 में रिवीजन के बाद, मतलब कॉस्ट ऑडिट तो मैंने अभी रिवाइज किया है, जिन बच्चों ने भी कॉस्ट ऑडिट की क्लासेज यानी कॉम्बो की क्लासेज या इंडिविजुअली कॉस्ट ऑडिट की क्लासेज 1 अप्रैल 2020 के बाद ली है उनका पूरा रिवाइज है, जिन्होंने पहले ली है उनका पुराना वाला है, वो रिवाइज करना चाहते तो मैंने सबको ऑप्शन दे दिया था। एसपीएम बिजनेस वैल्यूएशन 1 जनवरी 2020 से जिन्होंने लिया है उनका पूरा रिवाइज है, और जो सीएफआर है वो भी 1 जनवरी 2020 से पूरा रिवाइज है। इसमें हर चीज़ें नई इंक्लूडेड हैं, किसी भी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं आपको 2-3 सजेशन जरूर दे दूंगा। सजेशन नंबर 1, मेरे पास बार बार आते रहते हैं बच्चों के मैसेजेज, सर टेस्ट सीरीज करा दो। कुछ नहीं होता टेस्ट सीरीज करके, आपको करना है, अपना समय खराब करना है, वक्त बर्बाद करना है, आप जरूर कीजिए, कुछ फायदा नहीं मिलेगा। एग्जामिनेशन प्रैक्टिस से चलता है, टेस्ट देने से नहीं। अगर आपने बिजनेस कॉम्बिनेशन और कंसोलिडेशन पे अपनी मजबूत पकड़ बनाई है और बाकी चैप्टरों पे मजबूत पकड़ बनाई, तो क्वेश्चन तो रेपिटेटिव आ रहा है, आप उसके आंसर बनाएंगे। दूसरी बात आती है रिवीजन वीडियो डाल दो। आप अगर किसी भी चैप्टर का रिवीजन करोगे आधा घंटा 45 मिनट 50 मिनट लगाओगे, लास्ट में आपको मिलेगा क्या? फिर आपको उसमें इस रिवीजन में तो कुछ रहेगा नहीं, जो भी टीचर आएगा कुछ बोल के चला जाएगा, इसका ये होता है, उसका वो होता है, उसका वो होता है, उसका वो होता है, क्या उससे एग्जाम के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे? मैं जो आपको बात कह रहा हूं उसको समझने की कोशिश कीजिए, आपको इमीडिएटली ये चीज बुरी बहुत लग सकती है। मैं देखता रहता हूं कई बार यूट्यूब पे रिवीजन वीडियो आ गया, उसमें देखो 20 मिनट लगा दिया, लास्ट में उसको पता ही नहीं लगा कि हुआ क्या। एग्जामिनेशन प्रैक्टिस से चलता है दोस्त, उतना समय लगा करके अगर एक थ्योरी क्वेश्चन का आपने आंसर लिखा होता तो आप एग्जाम में आराम से पास हो जाते। याद रखना एग्जाम रिटन मोड में होता है, एग्जाम कभी ओरल मोड में नहीं होता। हमें जाके वहां कहानी नहीं सुनानी, हमें आंसर लिखना है, इसलिए जो भी क्वेश्चंस दिए गए हैं आप उसके आंसर लिखिए। उसके अगली बात, एस
सीएफआर में बच्चे बोलते, वो पुराने पुराने स्कैनर पता नहीं कहाँ कहाँ से उठा के ले आते इसके क्वेश्चन, सर ये वाला क्या हुआ? अगस्त 2019 में होल्डिंग अमालगमेशन एज पर एस डिलीट हो गया कोर्स से। अब आप अगर जून 2019 तक होल्डिंग और अमालगमेशन के क्वेश्चन को ढोते रहेंगे तो वो तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी, क्योंकि वो सब एज पर एस वाले हैं। और गलती से एक दिसंबर 19 में भी गलती से होल्डिंग का एक क्वेश्चन एज पर एस वाला छप गया था। तो जब इंस्टीट्यूट ने खुद ही कह दिया कि एज पर एस होल्डिंग और अमालगमेशन हट चुका है, अब आपको एज पर इंडेस पढ़ना है, तो हम वो एस वाले क्वेश्चन कैसे बता सकते हैं आपको? इसलिए हमने उसे कोर्स से हटा दिया है। तो इस बात को आप ध्यान से समझ लीजिए और बार बार समझ लीजिए कि सीएफआर में आपके कोई भी क्वेश्चन होल्डिंग और अमालगमेशन के जो दिसंबर 2019 से पहले के हैं वो काम के नहीं हैं। वो मार्केट से स्कैनर खरीद के उसमें अपना समय और अपना वक्त मत बर्बाद कीजिए, उसका कोई एडवांटेज नहीं, क्योंकि कोर्स रिवाइज हो चुका है। आपको जो भी चीजें दी गई हैं वो सारी चीजें बेहद तरीके से सोच समझ करके फ्यूचर के अमेंडमेंट्स को ध्यान में रखते हुए दी गई हैं। और जो भी मटेरियल मैंने 2020 में आप सब लोगों को दी है रिवाइज करके, वो जून 2021, दिसंबर 2021, इवन जून 2022 तक एप्लीकेबल रहेगा। क्योंकि अब जो नए IFRS आने हैं वो IFRS 17 और IFRS 18 आने, जिसकी अभी एप्लीकेशन की डेट ही अनाउंसमेंट नहीं हुई है, तो उसका डेट जब अनाउंस होगा उसके 1.5 साल बाद आपके कोर्स में आता है। मैंने एक बार बच्चों को बोला भी था कि CA में जो सिलेबस में अमेंडमेंट एप्लीकेबल होता है, जैसे कोई इंडेस 1 अप्रैल 2020 से अप्लाई हुआ तो CA एग्जाम भी मई 2021 से आ जाएगा, लेकिन आपके एग्जाम में उसके 1 साल बाद आएगा। आपके एग्जाम में कोई इंडेस तब अप्लाई होता है जब वो इंडस्ट्री में अप्लाई हो जाता है, और CA में तब अप्लाई हो जाता है जब वो इंडस्ट्री में इनिशिएट हो जाता है। इसलिए दोनों में अंतर है, आपका 1 साल बाद आता है। जैसे इंडेस 116 की बात करें, सी इंस्टीट्यूट के कोर्स में वो पिछले साल ही इसी वक्त नोटिफाई हो गया था और आप में अभी नोटिफाई हुआ है, पूरा 1 साल का डिफरेंस होता है। तो आपको इन सब चीजों को ध्यान रखना है, आपको सारी चीजें सोच समझ करके बता के दी गई हैं, आप उस हिसाब से चलिए, आपको कोई कंफ्यूज होने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर किसी भी तरीके का कोई भी अमेंडमेंट और कोई भी छोटी चीज एप्लीकेबल होना होगा तो मैं आप लोगों को खुद ही इन्फॉर्म कर दूंगा। हाँ, जिन बच्चों ने 2019 में क्लासेज ली हैं, पेन ड्राइव ली हो या फेस टू फेस में, तो मैंने 116 पढ़ाई दिया था, मैं इसे पेन ड्राइव क्लासेज ली हैं, उनका इंडेस 116 जरूर रहा हुआ है, वो आप 116 जरूर ले लेंगे। और SPM बिजनेस वैल्यूएशन और कॉस्ट ऑडिट मैंने इस बार रिवाइज किया है, और मैंने सबको बोला था कि अगर आपके पासवर्ड अभी तक चल रहे हैं तो आप वो सबको चेंज करके दोबारा पढ़ लीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पिछला वाला गलत था, पिछला वाला भी पूरा ठीक था, ये रिवाइज्ड है, इसमें स्कैनर इंक्लूडेड है, आप लोगों के रिक्वेस्ट पे हमने इतनी मेहनत करके सब चीज़ बनाई, थ्योरी इंक्लूडेड है, सब कुछ नया कर दिया है। तो वो मैं आपको बिल्कुल एक फ्री में ऑप्शन दे रहा था कि अगर आपका पासवर्ड अभी चल रहा है, वो एक्सपायर नहीं हुआ है, तो आप इन चीज़ों को दोबारा कर सकते हैं, और अगर आपका एक्सपायरी हुआ है तो आप एक्सटेंशन ले सकते हैं, एक्सटेंशन के जो भी चार्जेज हैं वो पे करके, बहुत चार्जेज हैं नहीं एक्सटेंशन के, तो आप इन सब चीज़ों को अपने आप कवर करेंगे। किसी भी तरीके का फिर भी डाउट रहे तो आप ज़रूर मुझसे पूछ सकते हैं, लेकिन इस सप्लीमेंट्री के डाउट अब मत पूछना, क्योंकि सप्लीमेंट्री का सारा हिसाब किताब मैंने आपको बता दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद, ऑल द बेस्ट, गुड लक। हाँ, एक चीज़ और भी, कई बच्चे पूछ रहे दिसंबर में एग्जाम होगा, दिसंबर के एग्जाम की डेट शीट भी आ गई है 10 दिसंबर से, 11 दिसंबर को CFR का पेपर भी है, तो दिसंबर में एग्जाम होगा। और अब एग्जाम होने में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि अब हम किसी चीज़ को नहीं रोकेंगे। कुछ बच्चों के ये भी आ रहे कि ऑनलाइन एग्जाम होगा, मैंने आपको पहले बताया था कि अभी पॉसिबल नहीं है, लेकिन फ्यूचर में ऑनलाइन एग्जाम होगा, और अगर स्ट्रेटजी बनेगी तो कुछ लंबे समय तक च्वाइस रहेगा। अभी तो मुझे लग ही नहीं रहा कि अभी इमिडिएटली कुछ होगा इंटर और फाइनल में, लेकिन अगर फ्यूचर में भी होता है तो जैसे ACCA वाले ने लॉन्च किया है 2020 के जनवरी से कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, तो उन्होंने च्वाइस दे रखा है कि आपको पेपर पेन चाहिए तो आप पेपर पेन लीजिए, और आपको कंप्यूटर बेस्ड चाहिए तो कंप्यूटर बेस्ड लीजिए। वो एक लंबे समय तक 3 साल 4 साल तक ऑप्शन देते हैं, और उसके बाद फिर उनको लगता है कि अब ज़्यादातर बच्चे CBE में कंप्यूटर वाले एग्जाम में कन्वर्ट हो गए हैं, तब वो स्क्रैप करते हैं। तो आपको इन सब चीज़ों की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, आप दिसंबर एग्जाम के लिए फुल्ली प्रिपेयर्ड रहिए, आपके नोट्स सब कुछ फुल्ली प्रिपेयर्ड हैं। अभी भी हमारी क्लासेज अवेलेबल हैं, अगर आपके किसी दोस्त को किसी को भी लेना हो
कोई भी क्लासेस सब 2020 में अपडेट हुई है, क्लास वो ले सकते हैं। शॉर्ट ड्यूरेशन के क्लास का भी प्रोविजन हमने अवेलेबल कराया है। कई बच्चों का ये था कि CFR का इतना ही पोर्शन हम ले लें, तो उसका भी हमने प्रोविजन अवेलेबल करा दिया है। आप इस वाले नंबर पे फ़ोन करके अगर आपको CFR में इतनी ही क्लासेज लेनी हो तो 9718057916 पे फ़ोन करके भी आप ले सकते हैं क्लासेज। और किसी बच्चे ने पहले क्लासेज ले ली, किसी वजह से वो छोड़ दिए, नहीं पेपर देने दे पाए, वो रिवीजन करना चाहते, तो उनके लिए भी स्पेशल फैसिलिटी, स्पेशल डिस्काउंट के स्कीम है। जिन्होंने हमारे यहाँ पहले क्लासेज ले ली थी और उनका नहीं हुआ, तो वो भी इस नंबर पे बात करके ले सकते हैं क्लासेज। बहुत बहुत धन्यवाद, ऑल द बेस्ट, गुड लक। एक चीज़ लास्ट में ये बता दूंगा कि जून 2021 दिसंबर 2021 जून 2022 तक के आपके कोई भी दोस्त अगर लेना चाहें क्लासेज, तो उसके लिए अमेंडेड क्लास हमारे यहाँ अवेलेबल है। आगे जो भी अमेंडमेंट आएगा उसका भी वही हाल होगा जो अभी के अमेंडमेंट का था, क्योंकि हमने फ्यूचर की सारी चीज़ें इसमें इनकॉर्पोरेट कर दी हैं। तो चिंता करने की कोई बात नहीं है, अगर 1% कुछ हुआ भी तो आपको ज़रूर मिल जाएगा। और आखिरी में जाते जाते एक इन्फॉर्मेशन और, आप CMA इंटर के फाइनेंशियल अकाउंट और कंपनी अकाउंट की भी क्लासेज अपने यहाँ अवेलेबल हो रही हैं, तो आप वो क्लासेज भी अपने दोस्तों को, अपने छोटे भाई बहनों को रिकमेंड कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट, गुड लक। ये वीडियो ज़रूर शेयर कर दीजिएगा सबको, ताकि सब लोग इवेल्युएट कर सकें कि अमेंडमेंट क्या था।